जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ दोस्तों, नौकरी जाने वालों को बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, 3 महीने तक आधी सैलरी, जाने नियम और शर्तें आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे दिलचस्प बात, जी हाँ दोस्तों, संभल में महिला ने मांगा तलाक, वजह बोली पति बहुत प्यार करता है, झगड़ता नहीं, ऐसे माहौल में नहीं जीना। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन नेपाल में सीमा विवाद के बीच उत्तराखंड का है अहम रोल, सुरक्षा के लिहाज से हो रहा है बड़ा काम, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे कोरोना काल में ऑफिस स्पेस घटा रही है कंपनियां, अभी तक 78 फुटबॉल के मैदानों जितनी जगह जो है कम कर दी गई है, इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे एक और बागी नेता की कहानी, जी हम बात कर रहे हैं केरल में कांग्रेस लेफ्ट साथ लेकिन शशि थरूर हो गए अलग, जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे जी हां दोस्तों, आईपीएल के नेक्स्ट सीजन में यानी अगले सीजन में आपको उसका लोगो जो है बदला हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, वो है नौकरी जाने वालों के लिए। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता को लेकर सभी लोग परेशान है और कई तरह के जो है आपने मैसेज व्हाट्सएप पे देखे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें जो है फेक थी। लेकिन सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी नोटिस जारी हुई जिसमें बताया गया कि नौकरी जाने वालों को बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, 3 महीने तक आधी सैलरी, जाने नियम और शर्तें। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के ताजा फैसलों का, फायदा केवल उन बेरोजगार लोगों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाए या गंवाई है। जो वर्कर्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआईसी के तहत रजिस्टर्ड है, केवल उन्हें ही इस भत्ते का फायदा मिलेगा। वर्कर्स को फायदा देने के लिए अटल बीमा बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जिसका संचालन ईएसआईसी की तरफ से किया जाता है, उसे 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों, अपने आप में ये बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार के द्वारा, क्योंकि आम जनता काफी ज्यादा परेशान थी अपनी नौकरी जाने की वजह से। इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ईएसआई स्कीम के साथ कम से कम पिछले 2 सालों तक जुड़े हुए, मतलब केवल इन्हीं वर्कर्स को ही इसका लाभ मिलेगा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे। इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों तक कामकाज जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी जिया दोस्तों इस स्कीम के तहत आते हैं तो आप जल्द से जल्द जिया दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेरोजगार शख्स अधिकतम 90 दिनों यानी 3 इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। वह 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। पहले यह सीमा 25% थी। एक और नियम में बदलाव किया गया, पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों तक के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था, फिलहाल इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया। यह जानकारी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने दी है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, तो जल्द से जल्द आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन करने में अगर कोई दिक्कत है तो हम यहाँ से आपकी जगह रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते अगली खबर की तरफ। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान को चिढ़ा रहे हैं, जानिए चंद्रमान पर इतना इतरा क्यों रहे भारतीय। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का पाकिस्तान ने बनाया था मजाक, लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग पर वहां के मंत्री ने भी कसा था तंज। फवाद चौधरी ने कहा था सिर्फ बॉलीवुड के जरिए चांद पर पहुंचा जा सकता है भारत। ऑर्बिट ने 1 साल पूरे कर दिया, पाकिस्तान को कर दिया पानी पानी। भारत के चंद्रयान 2 मिशन की हंसी उड़ाने वाले पाकिस्तान पर आज ट्विटर हंस रहा है। जिस मिशन को खत्म समझ लिया गया था, वह साल भर में लगातार चांद की सतह और वातावरण के बारे में जानकारी दे रहा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को चांद के चक्कर लगाते हुए साल भर से ज्यादा हो गए हैं, उसकी सेहत ठीक है और सारे पुर्जे ठीक से काम कर रहे हैं। इसरो ने बताया कि ऑर्बिटर अब तक 4,400 से ज्यादा चक्कर लगा चुका है। इसके बाद ट्विटर पर भारतीयों ने पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान लगातार भारतीय उपलब्धि पर मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है, लेकिन उसका ही मजाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय ट्विटर पे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अगले सीजन के लिए, जी हां दोस्तों, आईपीएल का लोगो चालू जो है बदल दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के 13वें सीजन के लिए नया लोगो जारी हुआ है। इस नए लोगो में आईपीएल 13वें एडिशन में स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन को भी जोड़ा गया है। ड्रीम इलेवन के पास 31 दिसंबर तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार रहेंगे। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ करार के तहत बीसीसीआई को प्रतिवर्ष 440 करोड़ रुपए मिल रहे थे। यानी कि अब प्रतिष्ठित T20 टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग का नया लोगो जारी कर दिया गया है। इसमें 3 लीग का जो है नया स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन को भी जोड़ दिया गया है। आईपीएल के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से गुरुवार को इसे स्टोरी के तौर पर शेयर किया गया, जिसके बाद 4 बार की चैंपियन टीम मुंबई ने इसे भी शेयर किया। आईपीएल ने इंस्टाग्राम स्टोरी में पूछा कैसा लग रहा है हमारा नया लोगो, इसके साथ ही हैशटैग लिखा #DM11IPL। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आईपीएल का जो है नया लोगो, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ।
अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है एक बार फिर से कांग्रेस में। जी हाँ दोस्तों, बागी नेता तैयार हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं केरल में, कांग्रेस और लेफ्ट साथ हैं लेकिन शशि थरूर हुए बागी। जी हाँ दोस्तों, क्या वजह है जानेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहली बात बता दूं कि केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी तमाम राजनीतिक विरोधों को किनारा रखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले खिलाफ हो गई है। यह मामला है केरल के त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपे जाने का। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने ही संगठन के प्रति बगावती तेवर दिखाते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को लीज पर दिए जाने के फैसले के खिलाफ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ और लेफ्ट के एलडीएफ के नेता गुरुवार को इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने बैठक से दूरी बनाए रखी। बात करें, शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि तिरुवनंतपुरम के इतिहास, यहाँ की क्षमता और स्टेटस को देखते हुए स्थानीय लोग फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट के हकदार हैं। इस संबंध में फैसला लेने में देरी हुई। साथ ही सदन ने बताया कि वह ऐसे नेता नहीं जो वोटर्स के कुछ और कहे और फिर राजनीतिक सुविधाओं के हिसाब से कुछ और बातें करे। गौरतलब है कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में विनिवेश की राह पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने 3 एयरपोर्ट को 50 सालों तक के लिए निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का जो है कड़ा विरोध किया जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम जनता भी, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसलों से जो है विरोध कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों जैसे रिलायंस और अडानी जैसी कंपनियों को देने पे तुले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, देश को जैसे एक तरफ से पूरी तरह से बेचा जा रहा है निजी कंपनियों के हाथों में। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आम आदमी के लिए एयरपोर्ट पे तो सफर करना तो छोड़िए, रेलवे के टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। क्योंकि अगर निजीकरण हो जाता है रेलवे का भी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 151 रूटों को जो है पूरी तरह से निजीकरण कर दिया, यानी कि अब इन रूटों पर प्राइवेट ट्रेन चलेगी और उनका टिकट लेने के लिए आपको पैसे भी जो है सोचने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टिकट लेने का जो अधिकार है, टिकट खरीदने का और टिकट के दाम बढ़ाने का, ये सारा अधिकार जो है निजी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। यानी अब सिर्फ और सिर्फ वही लोग यात्रा कर पाएंगे जिनके जेबों में ज्यादा पैसे होंगे। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिसको लेकर तमाम लोग, जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस बात को सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सरकारी कंपनियों को बेचने पर क्यों तुले हुए, क्यों नहीं वो एक भी सरकारी कंपनी का जो है नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं, आरटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तमाम प्रधानमंत्रियों ने कुछ ना कुछ, यानी कि 5-6 आईटीआई या 2-3 कॉलेज या 2-3 फैक्ट्रियां जरूर लगाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोई कंपनी नहीं लगाई लेकिन कंपनियों को, जी हाँ दोस्तों, निजीकरण जरूर कर दिया है। तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो चलिए हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आई इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चीन और नेपाल सीमा विवाद के बीच उत्तराखंड का अहम रोल है सुरक्षा कारणों से। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली बात यह कि हिमालय राज्य उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर रणनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड नेपाल के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो सीमा पर विवाद के बाद इन दोनों सीमावर्ती इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने सीमा सुरक्षित और मजबूती हो यह सुनिश्चित करने के लिए भी कई कदम उठाए। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों के पास हेलीपैड की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से बजट भी मुहैया कराया गया। इन इलाकों में बॉर्डर तक पहुंचने की सुविधा के लिए हवाई पट्टी के साथ ही सड़क निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस हेलीपैड के निर्माण से लेकर एयर स्ट्रिप तैयारी करना भी शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार ने उन गांवों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है जो पिछले कुछ सालों में रोजगार की तलाश के चलते खाली हो गए थे। तो जी हां दोस्तों, इस समय नेपाल और भारत, चीन जो है मिलकर भारत को जो है काफी ज्यादा, जी हां दोस्तों, तीखा प्रहार करते हुए, और नेपाल और तो लगातार, जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ जो है अपशब्द बोलते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी केंद्र सरकार है कि उसके ऊपर जो है चुप्पी साधी हुई है, जबकि नेपाल एक ऐसा छोटा सा देश है जो हमारे किसी शहर के मुकाबले भी जो है बड़ा नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प खबर मैं आपको बताने वाला हूं कि संभल में एक महिला ने मांगा तलाक, जो बोली कि पति बहुत प्यार करता है और झगड़ाता नहीं, ऐसे माहौल में नहीं जीना। जी हां दोस्तों, बहुत ही सुनकर बहुत ही विचित्र लग रहा होगा, लेकिन ये जहां दोस्तों ये मामला आया है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में, एक विचित्र मामला सामने आया। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति से तलाक मांगा। पत्नी का कहना है कि उसके पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसे कभी झगड़ता नहीं। महिला ने शादी के महज 18 महीने बाद ही तलाक की अर्जी सरिया अदालत में दी है। सरिया अदालत के मौलवी ने बताया कि जब महिला ने तलाक मांगने की वजह बताई तो वह भी चकरा गया। बदमिन मौलवी ने कहा कि तलाक का कारण न मानते हुए अर्जी खारिज कर दी। पंचायत ने भी खारिज की थी उसकी अपील। सरिया अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद महिला ने स्थानीय पंचायत में गुहार लगाई। पंचायत ने इस मामले पर कुछ भी फैसला करने से इनकार कर दिया और इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। महिला
बोली दम घुटता है। जी हाँ दोस्तों, मौलवी ने बताया कि जब महिला की अर्जी के बाद उसे बुलाया गया तो उसने दलील में कहा कि वह अपने पति के प्यार को पचा नहीं सकती। उसने कहा, न तो वह पति कभी मुझ पर चिल्लाया, न कभी उसने किसी मुद्दे में मुझसे निराश हुआ। ऐसे माहौल में घुटने से महसूस हो रही है और घुटन महसूस हो रही है। कभी कभी वह मेरे लिए खाना भी बनाता है, घर का काम करने भी मेरी मदद करता है और उससे जो भी कहती हूँ तुरंत मान लेता है। मेरा ऐसा माहौल में दम घुटता है। तो ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही विचित्र मामला सामने आया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। लोकल और पैसेंजर ट्रेनें आखिरकार कब शुरू होंगी आम जनता के लिए? जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर अभी तक सोशल मीडिया पे जो है हैशटैग चल ही रहा है लगातार, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर एक निर्णय लेते हुए कहा कि जल्द ही यानी कि सितंबर महीने में जी हाँ दोस्तों आपके लिए लोकल और पैसेंजर ट्रेनें शुरू कर दी जाएंगी और तमाम लोग जो भी इस रूट पर सफर करने चाहते हैं यानी कि लोकल ट्रेनों और पैसेंजर की ट्रेनों के माध्यम से उनके लिए अच्छी खबर निकल के आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो यानी सितंबर से आप सभी के लिए अच्छा खबर निकल के आएगी। और साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, देश में कई इलाकों में स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया है, यानी कि कुछ राज्यों में जहां पे सबसे ज्यादा गर्दी देखने को मिलती है, ट्रेनों में भीड़ देखने को मिलती है, उन रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया। साथ ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई ताकि प्रवासी मजदूर भाई बहन आराम से जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी खबर आए तो वो आपसे छूट ना पाए। धन्यवाद दोस्तों।